Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग एक एक कदम बढ़ाते हुए सफलता की ओर अग्रसर हैं और हम लोगों को ऐसी तैयारी रखनी है कि लॉकडाउन खुलने के बाद जो भी परीक्षा हो उस परीक्षा में हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो आज जो है, जो हमारा टॉपिक अगला टॉपिक है वो स्टैटिक जीके का पोर्शन चल रहा है। स्टैटिक जीके में हम लोग जो है परिवहन पढ़ रहे हैं और परिवहन में आज का हमारा टॉपिक है रेल परिवहन। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज हम लोग जो है रेलवे के बारे में जानेंगे कि रेल परिवहन भारत में क्या है और कैसे है। ठीक, अगर आप पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, उसमें हमने कई चीजें बताई हैं, जो हमारे तटीय राज्य हैं वो बताया है हमने, बांध बताया है हमने, बंदरगाह बताया है हमने और सड़क परिवहन हमने बताया है। आज उसी क्रम में अगला जो टॉपिक है हमारा, वो हमारा टॉपिक रहेगा रेल परिवहन। ठीक, तो अगर आप हमारे परिवार या अपने परिवार द स्पीड स्टडी से जुड़ते हैं तो आपको निश्चित ही कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। ठीक, तो इसलिए आप इससे जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़िए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, केवल मात्र 20 मिनट आप दीजिए, 20 मिनट आप देखिए, ठीक, शुरू से आखिरी तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो हमारी कोई वीडियो आप मत देखिएगा। ठीक, और अगर अच्छी लग जाए तो लाइक शेयर और कमेंट, ये तीन चीज जरूर कीजिए। तो चलते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे रेल परिवहन के बारे में, रेल परिवहन, ठीक, या फिर भारतीय रेलवे। देखिए, जो आज का टॉपिक है हमारा, इसको विस्तार में बताया जाएगा, तो ये आपका तीन पार्ट में रहेगा। ठीक, क्योंकि जो है एनटीपीसी या रेलवे की जितनी भी जॉब होती है, अगर आप ये रेलवे का आप तीन वीडियो देख लेंगे तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, तो इसलिए इसको मैं विस्तार में पढ़ाऊंगा। भारतीय रेलवे जो आपका रहेगा ये विस्तार में चलेगा। तो देखिए, विश्व में चौथे नंबर पर रेल सेवा आती है भारत की। भारत की जो रेल सेवा है वो विश्व में चौथे नंबर पर है। पहले नंबर पर है आपका रूस, दूसरे नंबर पर है आपका यूएसए, तीसरे नंबर पर है आपका चीन और चौथे नंबर पर है आपका भारत। वही अगर हम इलेक्ट्रिक की बात करें, ठीक, विद्युतीकरण की बात करें, तो जो हमारी विद्युतीकरण लाइन है उसमें जो है इलेक्ट्रिक में भारत का दूसरा स्थान है। पहले नंबर पर आपका रूस है और दूसरे नंबर पर आपका भारत है। ठीक, तो अगर हम इलेक्ट्रिक रेल लाइन की बात करें तो भारत का स्थान दूसरा है। अगर हम रेल लाइन की बात करें तो हमारा भारत का स्थान कैसा है, चौथा है। तो देखते हैं कि कहां पे कितनी लाइनें हैं, कितने किलोमीटर लंबी लाइन है। तो अगर हम रूस की बात करें तो रूस में हमारा 226,000 किलोमीटर है। 226,000 किलोमीटर रूस में है, 128,000 किलोमीटर हमारा यूएसए में है। कितना, 128,000 किलोमीटर हमारा यूएसए में है। वहीं चाइना की बात करें तो 95,000 किलोमीटर चाइना में है और भारत की बात करें तो 65,367 किलोमीटर भारत की है। तो देखते हैं कितना, चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना में आपका है 95,000 किलोमीटर और वहीं अगर इंडिया की बात करें तो 67,368 या लगभग कहीं कहीं आपका 65,368 भी मिलता है। ठीक, तो चूंकि ये मापक आपसे पूछा नहीं जाना है, केवल यही पूछा जाएगा कि विश्व में भारत का कौन सा स्थान है रेल नेटवर्क के बारे में। तो रेल नेटवर्क में भारत का चौथा स्थान है विश्व में। और अगर हम इलेक्ट्रिक नेटवर्क की बात करें तो इलेक्ट्रिक रेल नेटवर्क में भारत का दूसरा स्थान है। ठीक, देखिए जो है, जो
भारत की सबसे पहली रेल सेवा शुरू की गई थी, चलाई गई थी, तो वो पहली ट्रेन आपकी चली थी कहां से कहां तक? मुंबई से ठाणे तक चली थी। आपको फिगर दिख रहा होगा, ये वही ट्रेन है जो मुंबई से ठाणे तक चली थी। पहली रेल सेवा कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से ठाणे तक चली थी, और ये 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। पहली रेल सेवा जो थी हमारी वो 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी और मुंबई से ठाणे तक गई थी। कहां से कहां तक? मुंबई से ठाणे तक गई थी। और अगर कोई पूछने की डेट क्या थी, तो 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चलाई गई थी। ठीक। और यही जब रेलवे लाइन बिछ रही थी, तभी जो है हमको हमारी जो स्थल प्राप्त हुए, हमारी सभ्यताएं प्राप्त हुई, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, तो ये सब जो है रेलवे लाइन ही बिछाई जा रही थी जब प्राप्त हुई। तो आपको हमने इतिहास में भी बताया है ये चीज, अगर आप प्लेलिस्ट में जाए तो वहां पे इतिहास भी चला है, तो आप वहां भी देख सकते हैं। पूरा जो है एक एक चीज विस्तार में बताया जाएगा आपको इस प्लेटफॉर्म पे, कहीं जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। जो चीज बताया जाएगा उससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो देखते हैं आगे, जो पहली ट्रेन हमारी चली, पहली ट्रेन हमारी जो चली थी वो मुंबई से ठाणे में चली थी, 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी 16 अप्रैल 1853 में। वहीं अगर दूसरी रेल की बात की जाए, दूसरी रेल लाइन अर्थात दूसरी ट्रेन जो चलाई गई थी वो चली थी हमारी हावड़ा से हुगली तक चली थी। ये हमारी दूसरी ट्रेन थी। तो पहली ट्रेन कब चली थी, कहां से कहां तक? मुंबई से ठाणे तक। और दूसरी ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? हावड़ा से हुगली तक चली थी। वहीं अगर हम आगे बात करें, अब सारा पॉइंट हमने यहां पे लिख दिया है ताकि टाइम ना लगे और आपको सारी चीजें समझा दी जाए। इसको जब मैं समझा दूंगा तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर रेलवे में क्या क्या फैक्ट हैं, क्या क्या तथ्य हमको मिलते हैं। तो पहला तथ्य हमने बताया कि लॉर्ड डलहौजी ने हमारे देश में ट्रेन की शुरुआत की। लॉर्ड डलहौजी ने ट्रेन की शुरुआत की, कब शुरुआत की? शुरुआत की 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। कब शुरुआत की? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में पहली ट्रेन की शुरुआत की गई, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच में चलवाई गई, और ये कितने किलोमीटर की थी? 34 किलोमीटर की थी, जो कि हमने अभी तक बता दिया। फिर देखिए, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है वो आपका हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। कौन सा है? हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और यहां पर 32 प्लेटफार्म है। कितने प्लेटफार्म है? 32 प्लेटफार्म है। वहीं अगर हम आगे बात करें तो भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म, दो चीज है, एक तो स्टेशन होता है और एक प्लेटफार्म होता है, तो जो सबसे लंबा प्लेटफार्म है वो आपका गोरखपुर का प्लेटफार्म है, यूपी में है, जो कि गोरखपुर यूपी का सबसे लंबा प्लेटफार्म है, और ये 1378 मीटर लंबा है, लमसम 1.5 किलोमीटर के आसपास। 1378 मीटर लंबा आपका रेलवे प्लेटफार्म है, किसका? गोरखपुर का। फिर वहीं अगर हम आगे देखें तो ये जो हमारा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है ना गोरखपुर वाला, ये हमारा विश्व में भी सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। तो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है हमारा? ये गोरखपुर का प्लेटफॉर्म है, 1378 मीटर। फिर वहीं अगर हम आगे देखें तो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन आपकी विवेक एक्सप्रेस है। कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस जो है सबसे लंबी दूरी तय करती है। कितना? कहीं कहीं आपको 4300 मिलेगा, कहीं कहीं आपका 4273 मिलेगा। ठीक। तो इससे आप परेशान मत होइएगा, केवल यही 4300 वाला डाटा याद रखिए, लगभग 4300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कौन सी? विवेक एक्सप्रेस। और ये जो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। कहां से कहां तक?
डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है और इसको यह दूरी तय करने में 82 घंटे लगते हैं। 82 घंटे में जो है यह दूरी तय करती है, कहां से कहां तक? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। वही अगर हम आगे देखें तो भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग कहां पे है? सबसे लंबी रेल सुरंग कहां पे है? तो सबसे लंबी रेल सुरंग की अगर बात की जाए तो आपकी जम्मू कश्मीर में है, J&K जम्मू कश्मीर में है, और नाम क्या है? पीर पंजाल रेलवे सुरंग। पीर पंजाल रेलवे सुरंग जो है सबसे लंबी रेल सुरंग है, जो कि 11.215 किलोमीटर है। 11.215 किलोमीटर सबसे लंबी रेल सुरंग है और उस सुरंग का नाम क्या है? पीर पंजाल रेलवे सुरंग। वहीं अगर हम बात करें तो सबसे धीमी गति से चलने वाली ट्रेन, आज तक आपको नहीं पता हुआ होगा कि सबसे धीमी गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है, तो ये है मेट्टुपलायम, मेट्टुपलायम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर। मेट्टुपलायम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर जो है सबसे धीमी गति से चलने वाली ट्रेन है और ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। वहीं अगर हम सबसे तेज चलने वाली ट्रेन की बात करें तो गतिमान एक्सप्रेस, ये हमारी अभी तक थी, अभी तक गतिमान एक्सप्रेस सबसे तेज चलने वाली ट्रेन थी, जिसकी स्पीड थी 160 किलोमीटर प्रति घंटा, और कहां से कहां तक चलती थी? हजरत निजामुद्दीन से झांसी तक चलती थी। लेकिन अब की अगर बात की जाए तो अब हमारी जो ट्रेन 18 है, ट्रेन 18 या फिर जिसका नाम कर दिया गया वंदे भारत एक्सप्रेस, उसकी रफ्तार है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब जो है सबसे तेज चलने वाली ट्रेन आपकी कौन हो जाएगी? वो हो जाएगी वंदे भारत एक्सप्रेस या ट्रेन 18। कितनी स्पीड है इसकी? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। चलती कहां से कहां तक है? तो बनारस से दिल्ली तक चलती है। ठीक, तो ये चीज था कुछ फैक्ट। आगे हम देखते हैं अगला फैक्ट क्या है। अगला जो फैक्ट है हमारा, अगला फैक्ट क्या है देखते हैं। दुनिया में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलवे नेटवर्क, पूरे दुनिया में जो है सबसे लंबी दूरी वाला रेलवे नेटवर्क अगर पूछा जाए कि कौन सा है, तो वो आपका ट्रांस साइबेरियन रेलवे नेटवर्क है। कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे नेटवर्क है, जो कि मास्को से लेकर के ब्लेडिवास्टोक तक जाता है। मास्को से लेकर के कहां तक जाता है? ब्लेडिवास्टोक तक जाता है। और इसकी दूरी कितनी है? तो 9300 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वही अगर हम आगे चर्चा करें तो भारतीय रेलवे का दिल्ली में स्थित म्यूजियम, भारतीय रेलवे का एक म्यूजियम है, आप चित्र में देख रहे होंगे कि ये म्यूजियम जो है एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है, एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है ये दिल्ली में स्थित जो म्यूजियम है आपका रेलवे का। फिर आगे देखिए, वहीं अगर हम एक स्टेशन की बात करें तो नवापुर रेलवे स्टेशन है, नवापुर रेलवे स्टेशन है, और ये दो राज्यों के बीच में है, दो राज्यों के बीच में है, और दोनों राज्यों राज्य जो है आधा आधा उसका कार्यभार देखते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में है, आधा कार्यभार उसका गुजरात सरकार देखती है, आधा कार्यभार उसका महाराष्ट्र सरकार देखती है। तो वो कौन सा है? नवापुर रेलवे स्टेशन है। कौन सा? नवापुर रेलवे स्टेशन है, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा के बीच में है। ठीक, आगे अगर हम बात करें तो सुरंग के भीतर, मतलब कि सुरंग है और सुरंग के अंदर रेलवे स्टेशन बना हुआ है, उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? तो उसका नाम है केलांग रेलवे स्टेशन। देखिए केलांग या फिर इंग्लिश अगर देखेंगे तो किलांग पढ़ा जाएगा। यह आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में है। और यह 27 किलोमीटर लंबी सुरंग के बीच में है, 27 किलोमीटर लंबी सुरंग के बीच में है, और यह आपका बिलासपुर मनाली लेह लाइन पर पड़ता है,
बिलासपुर मनाली लेह लाइन पर, ये देखिए लिखा है ना, बिलासपुर मनाली लेह लाइन पर जो है ये रेलवे जो स्टेशन है वो आपका पड़ता है। जब आप इस ट्रेन से जाएंगे ना, इस स्टेशन से होकर जाएंगे, तो रास्ते में आपको दो दर्रे मिलेंगे, एक आपका रोहतांग दर्रा और एक आपका बड़ा लाचाला दर्रा। ये दोनों दर्रे आपको जो है इस सुरंग के रास्ते जब आप इस लाइन पर जाएंगे तो इस लाइन पे आपके दोनों दर्रे मिलेंगे। देखिए ये लिखा हुआ है रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचाला दर्रा। और ये जानते हैं 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है, 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है आपका। वहीं अगर आगे बात करें तो इससे इसके बनने से फायदा क्या है, तो दिल्ली से लेह जाने के लिए अभी तक 40 घंटे लगते थे, लेकिन अब इसके बन जाने से दिल्ली से लेह तक अगर जाना है तो 40 घंटे की दूरी केवल मात्र 20 घंटे में तय कर लेंगे, अर्थात 20 घंटे की बचत हो जाएगी। और ये स्टेशन बना कब, ये स्टेशन बना है आपका 2018 में, 2018 में ये स्टेशन बना। तो ये था आपका कुछ फैक्ट, ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो जोन के बारे में रहेगा, और विस्तार से जो आगे की चीजें हैं वो सारी रहेंगी। क्योंकि ये फैक्ट था, इसमें कुछ बताने वाला नहीं था, केवल इसमें केवल ये बता देना था क्या कहां है, ठीक, तो इसलिए इसमें हमने ज्यादा समझाया नहीं। लेकिन जो जोन है उसको याद करने का हम एकदम शॉर्ट तरीका बताएंगे, फिगर से, मैप से आपको मात्र 5 सेकंड में पूरे 18 के 18 जोन तैयार हो जाएंगे, ठीक। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, ठीक। तो आप लोग जो है हमारे चैनल पर बने रहिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका अपना चैनल है, अपना परिवार है द स्पीड स्टडी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़िए। धन्यवाद।